हेलो दोस्तों, गर्भावस्था सभी महिलाओं के लिए अनमोल समय होता है। नए शिशु के आने का इंतजार हर परेशानी, दर्द और तकलीफ से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। प्रेगनेंसी के दौरान हमारे शरीर में बहुत सारे अलग अलग बदलाव होते हैं, जैसे कि हमारा वेट बढ़ना, पेट बाहर निकलना, कई सारे हार्मोन्स में बदलाव होना। इन सभी बदलावों के बावजूद हम अपने शिशु के आने का बेसब्री से इंतजार करते हैं। दोस्तों, प्रेगनेंसी के पूरे समय में बहुत सारे कारण चिंताओं से भी घिरे रहते हैं, जैसे कि क्या खाना है, क्या खाना नुकसानदायक होगा, पेट का ज़्यादा बड़ा दिखना सही है या नहीं, या पेट का छोटा दिखना कोई परेशानी तो नहीं। तो दोस्तों, इन सभी बातों को सोचकर दुखी होते रहते हैं और समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं। जिनका पेट बड़ा हो गया वो सोचती हैं पेट बड़ा ज़्यादा क्यों लग रहा है, जिनका पेट नहीं निकला उनको लगता है पेट क्यों नहीं निकला, मेरा 7वां महीना चल रहा है, 8वां महीना चल रहा है। दोस्तों, आपके लिए ये सारी जानकारियाँ इस वीडियो में मौजूद हैं। आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में आपको यही बताऊंगी कि ज़्यादा बड़ा पेट दिखने के क्या कारण होते हैं और छोटा पेट दिखने के क्या कारण होते हैं। ये कोई परेशानी की बात तो नहीं। आपको पता है एमनियोटिक फ्लूड गर्भ में बच्चे के चारों ओर होता है, यानी कि एमनियोटिक फ्लूड में ही बच्चा होता है। प्रेगनेंसी के दौरान पेट का साइज एमनियोटिक फ्लूड पर निर्भर करता है। जब महिला के शरीर में एमनियोटिक फ्लूड बढ़ने लगता है तो पेट का आकार भी बढ़ने लगता है। जितना ज़्यादा फ्लूड होगा पेट उतना ही बड़ा होगा। उसके बाद BMI का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स। इसका मतलब हाइट के अकॉर्डिंग आपका वजन कितना होना चाहिए। यदि प्रेग्नेंट महिला का BMI ज़्यादा है तो आपका पेट भी ज़्यादा बाहर दिखेगा। शारीरिक संरचना, हर महिला की शारीरिक संरचना अलग अलग होती है। कहने का मतलब कोई लंबा या कोई छोटी हाइट की होती है। अक्सर यह देखने में आया है कि जिन लोगों की हाइट कम होती है उनका पेट ज़्यादा बाहर निकलता है, क्योंकि पेट में शिशु को फैलने की ज़्यादा जगह नहीं मिल पाती है, इस वजह से पेट बाहर की तरफ झुका हुआ दिखता है। महिला के हिप बोन कम चौड़ी होने पर भी पेट बाहर निकलता है। शिशु का वेट, शिशु का ज़्यादा वेट होने पर भी गर्भावस्था के दौरान पेट ज़्यादा दिखाई देता है। दूसरी बार अगर आपकी प्रेगनेंसी हुई हो तो ये भी एक कारण होता है कि पेट ज़्यादा बड़ा दिखाई दे। आपकी प्रेगनेंसी जो पहली बार हुई थी उसमें हो सकता है पेट आपका छोटा हो, पर आपकी दूसरी प्रेगनेंसी में आपका पेट बड़ा हो सकता है। मांसपेशियां पहले से खिंची हुई होती है और दूसरी बार पहले से ज़्यादा बड़े आकार में खिंचती है, जिसके कारण पहले की तुलना में दूसरी प्रेगनेंसी में पेट बड़ा होता है। शिशु की पोजिशन, पेट का आकार शिशु की पोजीशन पर भी निर्भर करता है। कई बार आखिरी के 3 महीनों में शिशु गर्भ में अपनी पोजीशन बदलते रहता है, जिसके कारण पेट का आकार बढ़ने लगता है। कुछ महिलाओं को डायबिटीज की भी समस्या होती है, जिनके कारण भी उनका पेट बाहर ज़्यादा दिखाई देता है। और दोस्तों, अब जानते हैं पेट छोटा दिखाई देने के क्या कारण होते हैं। अगर आपकी पहली बार प्रेगनेंसी हुई है, आपका ये पहला बेबी है, तो आपका पेट हो सकता है छोटा दिखाई दे। एमनियोटिक फ्लूड की अगर मात्रा कम है गर्भ में तो भी पेट छोटा दिखाई देता है। दोस्तों, शारीरिक संरचना पर भी पेट छोटे दिखाई देता है। यदि प्रेग्नेंट महिला की हिप बोन चौड़ी है तब भी शिशु का फैलाव की जगह मिल जाती है, जिसके कारण पेट बाहर कम निकलता है। जिन महिलाओं के
पेट में शिशु का वजन कम है उनका भी पेट कम निकलता है। बीएमआई कम होने के कारण भी प्रेग्नेंट महिला का पेट कम बाहर निकलता है। मतलब जिन महिलाओं को पहले से कम वेट है उनका पेट भी कम ही बाहर निकलता है। हर प्रेग्नेंट महिला के जरूरत से ज्यादा पेट बाहर और जरूरत से ज्यादा कम, हर प्रेग्नेंट महिला के जरूरत से ज्यादा पेट बाहर और जरूरत से कम निकलने के अपने अपने कारण हो सकते हैं दोस्तों। इनमें से कोई ऐसा कारण नहीं है जिसे आपको लगे कि किसी का कम किसी का ज्यादा क्यों हुआ। सबकी अपनी अपनी संरचना है, बीएमआई है, प्रॉब्लम्स है, अच्छाइयां हैं। पर एक बात मैं आपको बता देती हूँ, इससे शिशु को कोई खतरा नहीं होता है। बस आप डॉक्टरी इलाज करवाते रहें, मेडिसिन लेते रहें, खान पान पर आप ध्यान देते रहें, बाकी चीज़ें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।